एक तो एक रूप में तो वो सतलोक में रहता जिसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में, इतनी उनकी रोशनी है। और दूसरा रूप बना करके वो आते हैं कभी शिशु रूप धारण करके, प्रत्येक युग में एक जन्म एक लीला ऐसा करते हैं, एक जीवन जन्म नहीं लेते हुए शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनको निसंतान कोई उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े होते हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह रहते हैं। हमें उदाहरण देने के लिए वो एक पूरा जीवन ऐसा लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। परम संत भी वही होते हैं और अच्छे सुयोग शिष्य की भूमिका भी वो स्वयं करते हैं। और तीसरी स्थिति ये होती है कि वो कभी भी सतलोक से चलकर आते हैं और एक साधु रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। तो उस तीसरी स्थिति में परमात्मा कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास जी को ऐसे ही साधु जिंदा रूप में मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले, तो ऐसे ही वो जोगजीत रूप में आए हुए थे इस कागभूषण को मिले। कागभूषण की आस्था केवल ब्रह्म तक सीमित हो चुकी थी, तब वो परमात्मा ने बताया कि इससे ऊपर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है जिसे परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव तब मेरा अंधेरा हट्या और वो भक्ति जो जोगजीत महात्मा से मुझे मिली उसके दिए हुए मंत्र से आज मेरी भक्ति में ये स्थिति है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन पुण्यात्माओं, मोक्ष ना गरुड़ का है और ना कागभूषण का है। फिर भी कहने का भाव ये है कि जैसे जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है और जो भक्ति चाह रहे हैं भगवान के लिए भटक रहे हैं, वो पुण्यात्मा महापुण्यात्माएं हैं, और लेकिन रास्ता ना मिलने से, सही संत ना मिलने से ये जीवन 5-4 जन्म और हो जाएंगे मनुष्य के, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, क्योंकि बैटरी चार्ज ना हो सकी तो पीछे वाली डिस्चार्ज कभी ना कभी होगी। तो आज आपको चार्जर मिल गया और इसको इतना चार्ज कर लो कि ये फिर जरूरत ना पड़े, सतलोक चले जाएंगे हम और फिर हमारी कभी वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं परमात्मा की वाणी से, अभी आपको जो सुनाया है इसी का। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की कहानी, वो रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटनाएं घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी सिंपल भाषा में चौपाइयों के माध्यम से ज्यों की त्यों लिख दी, लिपिबद्ध कर दी। तो ये दिव्य दृष्टि होती है ऐसे संतों के पास, तो उनकी दिव्य दृष्टि जैसे दूरबीन समझ लो, दूरबीन, तो दूरबीन की क्षमता होती है। तो तुलसीदास जी की दूरबीन जो खुली थी उसकी क्षमता थोड़ी थी, उसने श्री राम तक को ही अपना इष्ट माना और उसी की पीछे बीती हुई घटनाओं का ज्यों त्यों वर्णन कर दिया। विष्णु जी से लेकर और श्री रामचंद्र जी तक उसने पिछली घटनाएं सारी वर्णन कर दी और वो सत्य है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा जो वेद बताते हैं कि वो श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं दृढ़ भक्तों को, उसी नियमानुसार परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को मिले थे और उनको फिर यह दिव्य दृष्टि दे दी थी जिसकी रेंज बहुत लंबी है। असंख्य युगों का लेखा उन्होंने इस अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर और पीछे का यह वर्णन किया। क्या किया गरीबदास साहिब जी ने? बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोसे कहो भेद बिदिनाना, बचन सुशील दृष्टि अनुरागी ही, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीश पर साजे, शब्द कुलावल हरख निवाजे, मधुकर बैन सुनत हो शांति, कहो भूषणिया की उत्पाती, श्रवण सुमृत वचन उमेदा, धाम रसायन सब तन बोधा, वचन सुनत सुख होए आनंदा, भेद कहो निज परमानंदा,
कमल कपोल मधुर तोरे बैन बैन तोरे सुनते शब्द पाप कटे मोरे। आद अनादि कथा विस्तारा मोको भेद कहो तत्सारा। परम भेद कहो बहु भांति कटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निधाना कहो भूषण आद परवाना। कौन पिता को जननी जाम्या कौन कुली कौन वंश बखाना। अरबन वर्ण कला परवेशा तुमरी महिमा करत है शेषा। अब गुरुजी प्रशंसा कर रहे हैं भूषण की कि आपकी महिमा तो शेष नाग भी करते हैं कि बहुत भक्ति हो तो भूषण जैसी हो। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा कहो भूषण मोय आद संदेशा। सुनो गुरुड़ मोरा आद संदेशा भिन भिन भेद कहूं खगेसा। अब क्या बताते हैं, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा तो से भेद कहूं परवेसा। अब भूषण जी कहते हैं कहे भूषण सुनो खगेसा है। अब देखो गरीबदास साहेब जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, गरीबदास साहेब जी अशिक्षित थे लेकिन अक्षर ज्ञान होना अलग चीज है, आध्यात्मिक ज्ञान होना ये परमात्मा की गिफ्ट होती है। तो कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं, कह भूषण सुनो खगेशा। खग खग माने पक्षी, खगेश माने पक्षियों के राजा गरुड़। सुनो मैं आपको अपनी आत्म कथा बताता हूँ। संकल्प युग गए बिहाई पूर्व जन्म की कथा सुनाई। संकल्प युग हो गए जमन मरण जिहान। जन्म पूर्व ला तुझे कहूँ सुनो खगेश सुजान। क्या बताता है कि संखों कल्प हो गए मेरे जन्म मृत्यु होते ने और वो मिथ्या गए मैं संभाल नहीं सका। सुनो गुरुड़ मोर आद संदेशा भिन भिन भेद कहूँ खगेसा। संख जन्म पूरब पैमाला गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अब गुरुड़ भूषण जी कहते हैं कि मेरे संखों जन्म मनुष्य के बर्बाद हो गए नष्ट हो गए मैं संभाल नहीं सका, उसमें भक्ति नहीं कर सका। सुनो गुरुड़ मोरा आद संदेशा भिन भिन भेद कहूँ खगेसा। संख जन्म पूरब पैमाला गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगरी निधाना जहाँ अवतार धरे मोरे प्राण। एक अवधपुरी में मेरा फिर मनुष्य का जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पुनीता मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्ष तहाई ही पृथ्वी डोल गई रे भाई। ऐसा दुर्भिक्ष गिरा कि पृथ्वी कांप गई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा ताही समय गए मालू देसा। पुरी अवंती लीन्या बासा जावा ना ही अन्न की तरासा। मैं अंत का पुरी में चला गया और वहाँ अन्न का अभाव नहीं था। अन्न तो तहाँ पेट भर खाया कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही कथा करण शिव द्वारे जाही। सट मास हम संगति की नी तब तास की दीक्षा लीनी। 6 मास तक उसके साथ में बैठा रहा, बुद्धि में बुतमनी बड़ा नाम ले लूं और फिर या समझ माई भक्ति कर लूं। इतने पाप बढ़ गए थे मेरे। शिव पूजा पंडित अर्थावे बेल पत्र धरलिंग बनावे। टहल करत जित जिस पंडित केरी ही गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना पूजा अर्पण धूप ध्याना।
शिव पूंजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे जहां हम लिया निवासी, गुरु शिक्षा मन में करी ही मिटी खगेश पियास। तन मन अर्पे फेरे माला, जाके ऊपर ईश दयाला। अब क्या बताते हैं कि उस पंडित जी के ऊपर भगवान शिव बहुत दयालु थे, उसके वो कृपा पात्र थे। पूजा करने दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। एक दिन गुरुजी पूजा करने के लिए जब आए मंदिर में, हमने उनके बैठे बैठे दर्शन कर लिए, उठकर सत्कार नहीं किया। जहां शिव को मोय दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। तब शिव ने मुझे श्राप दे दिया कि 100,000 वर्ष तुझे यम लोक में रखा जाएगा। पंडित सुना वचन शिव केरा, ऊट चरण लीन्या गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बौराया। रे बालक धर तू शिव का ध्याना, ताते बक्से तेरे प्राणा। चार पहर पंडित को बीते, बहुल आवाज हुई मन चीते। मोरा वचन ना खाली जाई, यम के लोक चलो रे भाई। बौर धरा पंडित तब ध्याना, बक्सो साहेब या के प्राण। बहुत बार की अर्ज ठीका, बानी अर्स भई शिवनी का। बहुर महादेव भये दयाला, जम का लोक भुगते तत्काला। हमरे लाग्या संसा सोका, छुट्टी दे गए जम के लोका। शिव साहेब की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। चंद रोज तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको नहीं दीन तरासा, भुगता वहां पर नरक निवासा। अब क्या बताते हैं पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और इसके अंदर हमने प्रत्येक पहलू पर आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाओगे कि भी थोड़ा बहुत राहत तो भगवान शिव जी ने भी दे दी। इसी राहत तो हमने संखों बार पा लिया, लेकिन भूषण का आखिर में कल्याण पूर्ण परमात्मा के उस ज्ञान से हुआ। अब क्या बताते हैं, जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज। जल सो ही मछली चढ़ जा, वो बह जाते गजराज। कहते हैं जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज। और जल सो ही मछली चढ़ जाती, बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई जल गिर रहा हो ना ऊपर, तो और न बहुत स्पीड से गिरता है नीचे पहाड़ों पर से, इतना भयंकर रूप धारण करके चलता है। कहते हैं बड़े से बड़ा हाथी भी उसके सामने आ जाए, उसकी देह ही तोड़ दे, उसको भी बहा ले जावे। और मछली उसी के उल्टी विपरीत दशा में, उसी के बीचों बीच और ऊपर पहुंच जाती है। नीचे से चलती है और ऐसे ऐसे ऊपर पहुंच जाती है। यानी उस मछली को उस जल ने छूट दे दी, तू मेरे कहीं पर घूम। क्यों दे दी? क्योंकि जल और मछली का एक विशेष प्रेम है। वो इतनी पुजारण है जल की कि जल के बिना वो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए जल ने उसको, जो जा की शरणा बसे, वह जल की शरण में है, उसको छूट दे दी, तू कितने का घूम। और जहां हाथी नहीं टिक सकते, वहां मछली छोटी सी जीव उसके सैर सपट्टे कर रही है। तो जैसे आपने जिस भी किसी अधिकारी MLA MP मंत्री की शरण ले रखी है, मित्रता कर रखी है, तो वो अपने सत्र का लाभ आपको पूरी छूट दे देगा। जैसे आपने किसी SHO से मित्रता है, पर मित्रता हो, अब थाने में जाते हुए आम आदमी की हिम्मत नहीं जाना वहां पर, और थानेदार का मित्र उसकी चेयर पर जाकर बैठ जा और चाय पिलावे,
ऐसे ही जैसे किसी का मंत्री से दोस्ताना है, मित्रता है, तो मंत्री अपने सत्र का लाभ अपने मित्र को खूब दे देगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सत्र का वो नहीं दे सकता। SHO के सत्र का जो लाभ है वो अपने मित्र को खूब देगा। जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए वह जाते गजराज। तो वहां जो उसके सत्र का जो लाभ उस मित्र को मिलेगा वो आम को नहीं मिल सकता, आम आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। तो जैसे मुख्यमंत्री से जिसकी मित्रता है तो वो उसी सत्र का लाभ उसको जरूर देगा, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाला लाभ नहीं दे सकता। तो अब हमने ये भगवान सेलेक्ट करने हैं, अब हमने इन परमात्माओं को सिलेक्ट करना है कि कौन से साहब की शरण ग्रहण करें जिसका हमने सर्वसुख हो। जैसे भगवान शिव से हमने मित्रता की, उसकी साधना की, कहाँ जाएंगे, शिवलोक में, और अपने पुण्यों को वहां समाप्त करके फिर आएंगे कहाँ, नरकलोक में। और एक दिन शिव जी की भी मृत्यु है और पुजारियों की भी मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु किसी की समाप्त नहीं हुई, और कर्म का दंड सभी को भोगना पड़ता है। फिर हम यदि विष्णु जी की साधना करते हैं तो विष्णु लोक में जाएंगे, वहां अपने ही पुण्य से उनके रेस्टोरेंट में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे वहां से तुरंत फेंक दिए जाएंगे। और यदि हम ब्रह्मा जी की साधना करते हैं ब्रह्मा लोक में जाएंगे, ये स्थिति वहां होगी। यदि दुर्गा जी की पूजा करते हैं दुर्गा लोक में जाएंगे, और वहां भी यही हालत होगी, अपने पुण्यों की मलाई आपको वहां मिलेगी। ब्रह्म साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाएंगे जो ओम नाम का जाप करते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, और ब्रह्म भी जो है जन्म मृत्यु में, इसकी भी ये भी नाशवान है। सर्व पुरुष है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभुओं की, तीन पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, एक सर्व पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। और एक अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, और इसका नाम तत् है, ओम तत् सत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। तो तत् ये गुप्त मंत्र है, ये दास बता सकता है। तो वो तत् मंत्र अक्षर पुरुष का है, और सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, जैसे 16 में कहा कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं, और इनके लोकों में तथा इनके जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, ये स्वयं भी नाशवान है, और जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उधारते, वो श्रेष्ठ भगवान थे, इन दोनों से कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। यह लोक तरह आवेश विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जानो, ऊपर को जो मूल है, ऊपर परमात्मा जो सतपुरुष है सतलोक में, वो तो जड़ समझो इसका, सारे संसार रूपी वृक्ष की, यानी जड़ जड़ से ही, मूल से ही सबको आहार प्राप्त होता पूरे वृक्ष को। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यह भी निर्णय दिया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर आए थे स्वयं, जब बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके, काशी में जब धारणक रूप से प्रसिद्ध हुए, जुल्हा रूप से कबीर देव, उन्होंने उस समय अपनी कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजनी सर पुरुष को कहते हैं, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। फिर ये बताया कि 15वें अध्याय के 14 श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के उपरांत अज्ञान रूपी अंधकार को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर अर्थात अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमात्मा के, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो पुण्यात्मा, हमने ये सिलेक्ट करना है कि कौन परमात्मा प्रभु, प्रभु माने स्वामी, जो जितना स्वामी है उतना ही वो प्रभु कहलाता है, जितना मालिक है। जैसे एक ब्रह्म, एक लोक के अंदर एक विभाग के मालिक हैं रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, तीन लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। और विष्णु जी भी एक विभाग के मंत्री हैं सतोगुण विभाग के, और शिव जी भी एक विभागीय मंत्री जानो तमोगुण विभाग के। और इनके पिता ये सरपुरुष है, ये ज्योति निरंजन काल है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड में ये मुख्यमंत्री का रोल करता है। और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को समझ लो, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है हमारा, यानी सबके ऊपर कुल का मालिक वो पूर्ण परमात्मा है। तो हम जब उस परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे तो एक कैसा दे सब सदे, उस परम अक्षर ब्रह्म के अंदर सबकी शक्ति है और उसी के आदेश से सब कार्य होते हैं। तो हम वो परमात्मा जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो हमारे पाप भी नाश करता है, हमारी आयु भी बढ़ा देता है, हमारे दुखों का निवारण भी करता है और हमें मोक्ष भी देता है, और उस स्थान पर हमें ले जाता है जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ हमारी सृष्टि है, परिवार है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर है। और ये परिवार तो एक दिन सबका जाएगा, स्वयं भी मरेंगे, कोई यहाँ रहा ना रहे, तो ये तो एक हमारा अस्थाई जुगाड़ है और धोखा देकर बैठा रखे है। अब यहाँ हम सब ने मान रखा ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी, ये मेरी कार, ये मेरी कोठी, और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, क्या है आपका, ये धोखा है अपने आपके साथ। और लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर आपका परिवार होगा और सभी बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे, देव पद पर होंगे और किसी की कभी मृत्यु ना, बुढ़ापा कुछ नहीं होगा। तो वो है परिवार जो कदे भी ना मरे, और वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं, सारे दिन यहाँ तक माया की खातिर पागल कुत्ते की तरह जीव भटकता रहता है, फिर भी पूरा ना पटता। और वहाँ बड़े भंडार भगवान के सदाबहार वृक्ष हैं, वहाँ निष्कर्म में जो है वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, बिना काम करे वहाँ मिलता है आपको, या बिना करे प्रधानमंत्री भी नहीं खा सकता। तो अब हमने ये सोचना है कि हमने भी करना क्या चाहिए और कौन से भगवान की शरण ग्रहण करें ताकि हमारे को लाभ मिले, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकि लाज। हम परमेश्वर की शरण मांगेंगे तो उसको हमारी लज्जा होगी, वो हमें ऐसे छूट दे देगा जैसे अन्य अधिकारी देते हैं, लेकिन उनकी छूट सीमित है और ये असीमित है। तो पुण्यात्माओं, इसमें आपने इस कथा में, काकभूषण वाली कथा में एक विशेष बात नोट करने की है कि इष्ट जो है वो गुरु को अपने से भी अधिक महत्व देता है। यही परमात्मा कहते हैं, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को, मेरे उस कृपा पात्र संत को तो मेरा ही रूप समझना। मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। और दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई हैं अंध, ओए दुखी संसार में अग काल के फंदे। अपुनात्मा परमात्मा क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने, चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। अब परमात्मा कहते हैं, जब तुझे परम संत मिल जाएगा, मेरा दास मिल जाएगा, फिर तुझे ऐसे बाईपास निकालेगा जैसे आप जी ने कल रात्रि के सत्संग में और महावीर जैन के जीव की, मारिची वाले जीव की क्या स्थिति हुई,
और वो साधना भी करता था, गुरु भी बना रखा था, और उसकी कैसे कैसे देवता भी बना, स्वर्ग में भी गया, महास्वर्ग में भी गया, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तेरा गजब हो गया, और 80 लाख बार देवता, बता 80 लाख कहते 1 करोड़ बार देवता बन गया, एक बार गधा बना बतेरा, बस सारे काम ठीक हो जाए उसके। परमात्मा कहते हैं जो पूर्ण संत मेरा तुझे मिलेगा वो तुझे इतने दुखों से बाईपास निकालेगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक में भी जाते, 84 लाख योनियों में भटकते। अब नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचाताण। अब नरक में तो यम के दूत हैं, जैसे आप कहीं जंगल में बैठ जाओ बाहर रात के समय, तो वहाँ जाते मच्छर आ जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए 1 सेकंड में, और हटाए नहीं हटे, नून तो मारेंगे, कान पर लड़ जाएगा, कान पर देखा ठोडी पर लड़िया पाव बनवान है कि तो उंगली के बीच में गड़ रहा है। तो वहाँ स्वभाव है यम दूतों का इन मच्छरों के साथ। यम द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता, वो दुखता भोगता ही भोगता, और फिर फिरता चारों खान। 84 लाख योनियों में कुत्ते को दे इन सभी कष्टों को भोगता, चार खानी में भरमता, कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जब सतगुरु सच्चा गुरु मिल गया, सही मंत्र उसने दिए, उसके पास पूरी विधि है, अधिकार है, तो कहते उस सतगुरु के उपकार से ये सारा बाईपास निकाल दिया, ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियों को प्राप्त होना, और सीधा मोक्ष प्राप्त होना। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। ओए ओए ओए। अपनात्मा समझने की बात है। कहते हैं पूरे वन के जितने पेड़ हैं सब की कलम बना लूं, और 7 समुद्रा की इंक साई बना लूं, और धरती जितना कागज हो, और ऐसे सतगुरु जिसने ऐसे दुख निवारण कर दिए, ऐसा उपदेश दे दिया जिससे हमारे इतने झंझट कट गए, उनका गुण लखन लगूं तो ये सब समुद्र भी समाप्त हो जावे और कागज भी छोटा पड़ जावे धरती जितना। अब लिखन लग जाओ ये कुत्ते के जीवन की कहानी, सारी रात तब भौंका गली में पड़ा, सर्दियों के दिन ऊपर तो वर्षा हो जा, और मच्छर माखी नारी खावे, तगड़ा कुत्ता आ जा उसने ऊँ फफेड़ जा, को आता जाता लठ मार जा, चोट लाग जा को संभाल दिया नहीं, कीड़े पड़ जा, सुबह भूख लगे किसी के द्वार पर जा, भाग होता टूक मिल जाए ना जूत मिले, फिर कि धक्के खानता अंडे। तो ऐसा लिखन लगे एक एक कुत्ते को दे सूअर सब की योनियाँ, उनका क्या क्या कष्ट होता है, और मनुष्य जीवन में कष्ट कहते सारी कहानी लिखन लगो जा, सबको छोटा पड़ जा, और ऐसे दुख का निवारण कर दिया अब संत ने, तो फिर क्या कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अब पुणात्माओं परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु को बिंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं तो फिर पल पल ध्यान लगावे। अपनात्माओं जैसे परमात्मा आए थे गुरु रूप में, और हमने यही मार खाई, हमने उनको भगवान नहीं माना कबीर जी को, क्योंकि हमारे बुद्धि काम नहीं करे थी, हमने उन पंडितों को विद्वानों को गुरु मान रखा था कि ये है सही गुरु थे, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जाने हैं, इन्होंने वेदों को ठीक पढ़ा होगा, उन्हें कह कह भी नहीं पता था वेदों और गीता पुराणों का, तो हमने भगवान से नाम भी ले रखा था कबीर जी को, गुरु भी बना रखा था, लेकिन हमारे हृदय में वो भगवान ना जचे, और जब तक हमारे हृदय में गुरु को हम भगवान मान कर ही अरसल नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते।
अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु को भगवान जानकर भगवान मानना पड़ेगा। फिर पुण्यात्माओं, परमात्मा आए वो तो गुरु भगवान थे ही थे, और जैसे ये दास उनका दास है, उनका भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, आपके आपकी सेवा के लिए भेज रखा है, तो इस दास को आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, उसमें निकालते हैं कि भी मूलधन ज्ञात करो, और वो मूलधन अरबों करोड़ों रुपए में होता है, तो उस अरबों करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल मूलधन ना मिल रहा है, कति नहीं प्रॉब्लम हल हो को नहीं, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, मूलधन तो वो है करोड़ों अरबों का, लेकिन आपने उस 100 रुपये मूलधन सपोज करना पड़ेगा, तब वो मूलधन मिलेगा। तो इस दास को आप गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, कति मानना पड़ेगा, तब वो फार्मूला लगेगा, ना लगे को नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप मान के चलो कि हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, ये भगवान हैं। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि यहाँ से जब आप संसार छोड़कर जाओगे, आपको त्रिकुटी के ऊपर परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब वहाँ आपकी जैसी भावना इस दास के प्रति होगी, वहाँ तो आपकी बाहर निकल आओगी, कति क्लियर हो जाएगा, आपका हृदय बाहर लिखा मिलेगा आपके हृदय में, और आपको भी दिखा देगा परमात्मा सामने दर्पण में कि तेरे मन में क्या है गुरु जी के प्रति। तो वहाँ जाकर फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जैसा आप जैसे परमात्मा को हम तरफ रहे, भगवान मिल जावे और भगवान आपके सामने आ जाओ, तो आपका कैसा व्यवहार हो? तो आपने धीरे धीरे अपने को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हम मान ले गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे सोच कर जाएं हम भगवान के पास जा रहे हैं, और भगवान के सामने जाने के बाद हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसी हमारी भाषा हो, निष्कपट बात हो, भगवान के सामने हृदय में दोष नहीं रखना चाहिए। अब मैं दास के पास आने में आपको क्यों दोष रखना पड़ेगा, झूठ बोलने की या कपट रखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कति नहीं। हाँ, उनको पड़ेगी जो बीड़ी शराब तम्बाकू ना छोड़ रहे होंगे, वह झूठ बोलेंगे तो वो पाप के भागी हैं, उनका नाम रिजेक्टेड हो जाएगा, वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरे वो बोलेंगे जो शराब श्रोध निकाल दे होंगे, या घर में कितना लगो का मूर्ति धर दे होंगे किसी टूटे टूट के, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकेंगे, वो खराब हो जाएगा उनका काम। तो दास आपको किस पॉइंटों से कहेगा कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी प्रयोग नहीं करना, आन उपासना नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तो इस दास के बता यानी सतगुरु सच्चे ज्ञान से आधार से भक्ति, और एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। बताओ कितना भयंकर है ये आन उपासना, ये जहर ने क्यों खाओ फिर हम? आप चाहे 10 किलो घी का हलवा बना रखा हो और उसमें एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे, सारे का नाश कर दिया उसने, तो क्या फायदा उसका डालने का? तो ये परमात्मा की सत भक्ति का हलवा है, या आन उपासना जो करते फिरते थे हम अन्य देवताओं की, भैरव भूत बताना की ये बालू रेत है, सोच ले यो हलवा में घेर रहे हो तुम, तो कति मूर्ख घेरेगा का नशे वाला। तो ये आपकी अज्ञानता हटाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि गुरुजी के पास सामने अपने कैसे गुरुजी का महत्व बताते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होते सहाय। अपने आत्माओं, जैसे
कोई व्यक्ति सुखी है तो आम आदमी भी नो कह आकर कि इसका तो राम राज्य है, इसका भगवान राज्य है, और जिस भगवान प्रसन्न है इस पर, और जिसके ऊपर आपदाएं आपदाएं आ रही हैं वो स्वयं कहता है मेरा तो भगवान रूठ गया, मेरा राम रूठ गया। अब क्या है, जिस व्यक्ति के पुण्य चल रहे हैं उसका राम राज्य है, पिछले जन्म के जो पुण्य आपके साथ हैं, और जिनके पुण्य समाप्त हो गए, पापों का दौर शुरू हो गया, तो उसका राम रूठ गया, वो पुण्य क्षीण हो गए। अब जैसे आप कहीं खेतों में काम कर रहे हो, आसपास कोई जल स्रोत है नहीं, गांव से, जैसे राजस्थान क्षेत्र मरुस्थल में गांव से ही एक मटका भर के ले जाते हैं, जब तक मटके में जल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब मटके में जल समाप्त हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत आ जाती है, प्यासा मरता है। अब मटका जब तक गड्ढे में जल था तो नो प्रॉब्लम, रामराज्य था, और वो जल समाप्त हो गया तो राम रूस गया, क्योंकि वो पुण्य खत्म हो गए, वो जल खत्म हुआ, तो उसका क्या तरीका है, फिर वो गढ़ा ले जाओ और हैंडपम्प पर जाओ और हैंडपम्प की सेवा करो और जल वो पुण्य फिर भर लो, वो जल फिर भर लो, फिर सुखी हो गए। तो जिनके राम रूस गया, जिनके पुण्य क्षीण हो गए, वो गुरु, जैसे परमात्मा कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए, जैसे एक हैंडपम्प है एक तरफ तो, और एक तरफ मटके में जल रखा है, जल तो समझो भगवान है और हैंडपम्प है गुरु। अब आपको कोई कहे कि भी एक मटके में जल है और यू एंड पंप है, कौन सा सिलेक्ट करोगे, एंड पंप, इसे इसे गड्ढे सौ भर लेंगे, एंड पंप है तो हमारे पास। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए, कहते बलिहारी नलका अपना जिसने गोविंद दिया मिलाए, तो अपना हैंड पंप पर बलिहारी गुरु जी पर बलिहारी जिसने भगवान मिलाया, ना पहले ना मिलाए जल में। तो कहने का भाव ये है कि जब आपका राम रूस गया, आपके पुण्य क्षीण हो गए, तो गुरु रूपी हैंडपंप के पास आ गए, इब आपके फिर पुण्य शुरू हो जाएंगे, अब करो यहाँ सेवा सिमरण भक्ति बताई जा रही है, ये हैंडपंप लाओ और बाल्टी भर लो, मटके फिर भर लो अपने, फिर सुखी हो जाओगे। अब परमात्मा कहते हैं गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए आपका, आप प्रतिदिन नित नियम के अंदर पढ़ते हो, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, जो नित नियम प्रतिदिन आपको करने को दिया जाता है, ये एक रूटीन में इनको रोज सुनना या पढ़ना ही सुफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। क्या बताते हैं, सतगुरु दाता है कलमा ही, प्राण उदाहरण उतरे साई, सतगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोड़े जालम, सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चल आही। अब जैसे यही बात तो वेद बताते हैं, चारों वेद कहते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और जिन अच्छी आत्माओं को मिला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी गवाही दे रहे हैं कि सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चल आही, उस अगम दीप अगले ऊपर के लोग तो चलकाते हैं, सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लखावे, सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। कहते हैं सतगुरु और साहब भगवान का एक रूप मानो, सतगुरु बान बिहंगम मारे, सतगुरु भव सागर से तारे, सतगुरु बिना न पावे पेंडा, हूठ हाथ गडली जय कैंडा। कहते सतगुरु के बिना ये मोक्ष मार्ग पेंडा माने रखता नहीं मिलता, सतगुरु दर्द बंद दर बेसा, जो मन कर है दूर अंदेसा,
सतगुरु दर्द बंद दरबारी उतरे साहेब सुन अधारी। यानी ऊपर के सबसे सुन में रहने वाले सतलोक से नीचे उतरे परमात्मा। सतगुर साहेब अंग न दूजा ये सरगुण व निर्गुण पूजा। निर्गुण सरगुण एक है दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहेब आप हैं ये सरगुण संत विचार। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे खेल मंडा है सिर के साटे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी सतगुरु बिना ना छूटे कानी। अपने प्राण दान जो कर ही तन मन धन सब अर्पण धर ही। सतगुरु संक कला दर्शावे सतगुरु अरस विमान बिठावे। सतगुरु भव सागर के कोली ही सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु मादर पिदर हमारे भव सागर के तारण हारे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा सतगुरु तीन लोक से न्यारा। गृब्रम बनानी होते है सतगुरु सुरनालीन। सुबर सोही जानिए है सबसे ती आधीन। सतगुरु पशु मानुष कर डारे सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। अपने आत्मा आप जी को जैसे उपदेश दिया जाता है यही उपदेश यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से लोगे वो काम नहीं करेगा। और इस दास से लोगे तो इसमें वचन शक्ति आपके साथ जाएगी जैसे सिरिंज के माध्यम से प्रवेश की जाती है दवाई बॉडी में। तो परमात्मा के वचन की शक्ति से ये बीज रूपी जो नाम है ये आपके हृदय में समावेगा और फिर आप में भक्ति बनेगी। क्या बताते हैं, मैं समही जब होत है अमृत दूध दे अंच। अब कहते हैं थन दूधी को पाड़ के जय कोई खोज दूध। गरीब दास इस शरीर में हार्ड मास और गूद। हार्ड चाम की देह में फिर अमृत दूध सर्वंत। गरीब दास इस शरीर में ऐसे मिले भगवंत। अब जैसे गाय या भैंस जब तक वो गर्भ धारण नहीं करती उसमें बीज नहीं पड़ता तो वो बच्चा नहीं बनता। और बच्चा ना बनने से पहले उस भैंस या गाय के सारे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले तो उस थन ने फिर उसकी लेवटी का भी ऑपरेशन करके देख ले दूध नहीं पावे। और फिर उसी हार्ड चाम की दे में दूध कितना भर देता है भगवान। उसका प्रोसीजर है गर्भ रहा फिर वो बच्चा बना। बच्चा बाहर आया उसके लिए फिर दूध भी साथ उसी शरीर में परमात्मा ने वो दूध दूध ठोक दिया। वो बच्चे ने पिया भी जूठा भी छोड़ा इतना दूध हो गया। तो इस हमारे शरीर में भक्ति ऐसे प्रवेश होगी ऐसे वह बनेगी और हम गलती करके उसको बर्बाद कर देते हैं। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बनाए ठेस लगे ते छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो ऐसे कहते हैं सतगुरु पशु मानुष कर डारे। हम मनुष्य शरीर में भी पशु थे जो शराब पीते हैं मांस खाते हैं सारा दिन पेट भरने की खातिर पागल कुत्ते की तरह भटकते हैं तो मनुष्य थोड़े ही हैं। आपको बताया कि मानुष जन्म पाए कह जो नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनु आया किस काम। अपने आत्माओं सब विकारों को छोड़कर जैसे शराब तमाकू रिश्वतखोरी लूट खसोट मिलावट शराब इनको छोड़ने से तो हम मनुष्य बनेंगे। अब पहले तो आपको मनुष्य बनाया और मनुष्य से फिर देवता बनावाएंगे भक्ति करवाएंगे आप भगत बनोगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि देकर अपने वचन की शक्ति देकर ब्रह्म विचार है ब्रह्मन प्रभु और परमात्मा के विचार हमारे अंदर प्रवेश करता है और फिर हमारे अंदर भक्ति बनती है। और उस भक्ति के बनने से जैसे माँ के गर्भ में पेट में बच्चा जाने से बीज जाने से और फिर वो
दूध दूध बन जाता है और लाल भी बनता है। तो भक्ति रूपी लाल आप में ऐसे बनेगा। और इस भक्ति रूपी लाल का नाश कैसे होता है? हम मर्यादा तोड़ देते हैं। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो अब उससे वही परिचित है उसकी कीमत से, वो रात्रि के समय भी स्वप्न में भी घबरा जाती है जब करवट बदलती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे का ठेस ना लग गया और ख़राब ना हो जाए, एकदम उदड़ के पड़ती है और ज़मीन पर चलती है जब भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा मेरा बालक खराब हो जा, तब वो लाल बना लेती है। ऐसे ही आप जी ने भक्ति प्राप्त करके इस भक्ति रूपी गर्भ को इतना संभाल के रखना है, कोई मर्यादा भंग ना हो। बालकों का खेल बना रखा आपने, भक्ति है ये, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये, और संतों वाला नाम नहीं है चाहे कि कुछ भी कुबद करें जाओ, क्यों वहाँ बीज न मंत्र कुछ भी कोई ना, वहाँ कुछ करो चाहे ना करो। तो ये मर्यादाएं आपने कंपलसरी रखनी होंगी यदि आप जी ने ये मोक्ष प्राप्ति करनी है। फिर क्या बताया है, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके कर्म के लेख मिटा देगा वो परमात्मा, और जो चावे सो कर देंगे परमात्मा, और 14 कोट यम के दूत भी आपके निकट नहीं आओगे। फिर आप जी ने कैसे रहना है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। कहते हैं गुरु के समान किसी और को महत्व नहीं देना अपने। राम कृष्ण बढ़ती उपुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज का जा। के तुम श्री राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी अपने गुरु बनाए और गुरु की आज्ञा से अपने पर्सनल काम करे, अपने जो भी कार्य थे गुरु से आज्ञा लेकर किया करते थे। तो आपने भी ऐसे ही रिहर्सल करनी है। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु के जी के साथ कपट से बात नहीं करे। अगर ऐसे करते रहोगे तो आपका ऐसी रिहर्सल बन जाएगी, भगवान के पास जाओगे वहाँ दास के रूप में आपको मिलेगा, आपका वैसा ही स्वभाव वहाँ में रहेगा, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर फायदा क्या इतने इतना कुछ करने का। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरा गुरु हो और गुरु जी के आदेश का पालन अवश्य करे। गुरु की शरणा लीजे भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम्ब न हो वे मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भूस छड़े मूड किसाना। कहते गुरु के बिना किसी को आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, नाम विधि नहीं मिली, और जैसे थोथे भूस को मूर्ख किसान कूटा करते हैं जिसमें अन्न ना हो। तो पूरे गुरु के बिना जो साधनाएं आप करते रहे हो नकली गुरुओं के पास, आप थोथे उसको कूट रहे थे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आप जी को अभी तक सतगुरु नहीं मिले थे, और उसके बिना जिन संतों ने ऋषियों ने वेदों को पढ़ा वो समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे, जो आज तक भगवान को निराकार बताते रहे और ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा बताते रहे, जबकि हमारी गीता और वेद बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म कोई अन्य है, उसकी जानकारी हम नहीं रखते, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण से वह गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहसर गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होवे कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना तुम जो स्वयं इच्छा से कहीं दान करते हो ये व्यर्थ आपका कभी फलेगा नहीं। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई।
गुरु के मिले कटे दुख पापा, हा जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, है जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। वही बात आकर रुकगी कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि अब ये सोच कर चले है भगवान के मेरे स्थान पर याद ये बैठा है ये दास, और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना, ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूँ ऐसे पुण्य दान करो, इच्छा हो तो करो भक्ति करो, और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो, और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। तो आपने निर्मल होना पड़ेगा। हो जाए कोई किसी कारण से गलतियाँ, क्योंकि आप संख्या में कम हो, समाज जो दूसरे भाव में ज़्यादा है, एक एक परिवार में एक सदस्य नाम ले रखा है, चार नहीं ले रहे हैं, तो गलती बन सकती है, तो उसकी अक्षमा याचना करें। दास फिर आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है, खबरदार ऐसा करा तो नाम नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, बार बार नाम तोड़ने से भगवान के साथ चीटिंग हो जाती है। तो गलती हो जाते फिर अक्षमा याचना करें, पुनरुपदेश दिया जाएगा। आपके साथ गलती बन जाने से फिर नाम खंडित हो जाता है, वो कनेक्शन कट जाता है, पावर नहीं जाएगी आपके घर पे, वो पुनः कनेक्शन जुड़वाना पड़ता है, तब वो पावर फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें कपट नहीं करें, हो जाए गलती कोई बात नहीं, बन सकती है, क्योंकि हम भयंकर लोक में रह रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन जानबूझ कर बार बार बकवाद फिर भगवान ना नहीं सुहावेगी। घनी मजबूरी हो तो हो सकती है कभी, लेकिन फिर बार बार उन मजबूरियों से भी संघर्ष करना सीखो, जैसे मीराबाई ने किया, ध्रुव प्रहलाद ने किया, आज उनके नाम रोशन हुए, सफल हुए, और समाज अपने आप फीका पड़ जाएगा जब आपकी सच्चाई को देखेगा, आपका अनुकूल करेंगे, अनुसरण करेंगे, आपका साथ हो जाएंगे। उनको भी चाहिए भगवान, बिना ज्ञान का व्यक्ति हमारा विरोध कर सकता है, ज्ञानवान तो हमारा साथी हो जाएगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वा के हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी के रूप समर्पित है तो मैं उसकी, वो मेरी आत्मा है, उसके साथ रहूंगा मैं, और उसको सही मार्गदर्शन करता रहूंगा, बुराइयों से बचाऊंगा, उसकी मदद करूंगा, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो कनेक्शन है तो पावर आपके साथ है, कनेक्शन कटते ही वो पावर नहीं रहेगी, तो फिर आप इस मार्ग पर चल नहीं सकोगे। दसवां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजय, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु सुरु तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी है ना आपका, कहते हैं वो सुरतुरु, सुरतुरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष बता है स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ बैल बजा दो, वो बैल है कल्पतरु, बैल बजाते ही बैरा आवेगा, आप मांगो वही आपको मिल जाएगा, लेकिन जेब आपकी कटती है। तो यहाँ बताते हैं कि ये गुरु जी आपका जो सतगुरु होगा वो कल्पतरु समझ ले, यहाँ पर कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे और आपको आवश्यकता होगी वो अवश्य देगा, लेकिन आपकी जेब नहीं कटेगी, क्योंकि आपको पुण्य बढ़ाने की विधि साथ बताई जाती है। और सुर धेनु, वो काम धेनु जिसको कहते हैं, स्वर्ग में गायें हैं, सब खाने पीने की व्यवस्था उसके सामने प्रार्थना करते ही आपके सामने रख देती है, तो कहते हैं वो सभी काम गुरु करता है, सुर तुरु वाला और सुर धेनु वाला। गुरु सुरतरु सुर धेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना, और मोक्ष भी देगा। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। कति समर्पण होकर गुरु जी से उपदेश लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। के जो गुरु जी कहें वो ही करे, अपने सोच ने छोड़ दे एक तरफ, सब बकवाद है वो जो साधना तुम कर रहे थे या कोई और विकार करते थे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे,
सो से रहनी गैनी सुकल है। गुरु से शिष करे चतुराई सेवाहीन नरक में जाई। शिष होए सर्वस नहीं वारे ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। अब वहीं फिर बात आ जाती है, परमात्मा ने फिर दोबारा वही बात दोहराई है कि गुरु से कपट शिष जो रख है यम राजा के मुग्धर तक है। और ही है कपट मुख प्रीत उचारे, ऊपर देते मीठा बोले हाँ जी हाँ जी और अंदर में दोष रखे। कहते सो जीव कैसे लोक सिधाई और बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु के मिले, गुरु का मिलना है कि गुरु के साथ तू एक रस हो जा। और जब तू गुरु के प्रति समर्पित होगा यानी सद्भावना तेरी इसके साथ रहेगी, निष्कपट होगा, तो तब मुझे प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। यानी गुरु से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा में तेरी जगह नहीं होगी। पुणात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है। दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते, एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है। तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नज़र रहती है और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई और वा के हृदय रहु समोई। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, अरि सोमरे सो रह गए भाई गुरु भजे हो पार। यानी जो जल 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 करते फिरते हैं तो वो तो कैसे मरेंगे, और जिनने हैंडपम्प की व्यवस्था कर ली वो उनकी मौज माचेगी। तो जिन्होंने वैसे राम राम करते फिर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु रूपी हैंडपम्प जिनने व्यवस्था कर ली वहाँ प्राप्त कर लिया उनके ठाठ होएंगे। बोलो सतगुरुदेव की।